हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। आज जा रहे हैं फोरेस्टो गाड़ी का गैस सेटिंग करने। कैसा एलंकी से गैस सेटिंग किया जाता है तो उसके बारे में आज बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो एलंकी है, अभी इसका अपन ऐसा एक घुमाएंगे तो एक राउंड होता है, तो एलंकी से अपन इसको गैस सेटिंग करेंगे बिगर टैकोमीटर का, ठीक है। तो ये देखो, ये फोरेस्टो गाड़ी का नीचे साइड में देखो, ये पिकअप स्क्रूप है और ये एवरेज का स्क्रूप है ऊपर वाला, और यहाँ पे कार्बेटर का हैंडलिंग स्क्रूप है, ठीक है। तो सबसे पहले पिकअप सेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद कार्बेटर का स्क्रू टाइट करेंगे, फिर उसके बाद गैस का एवरेज स्क्रू सेट करेंगे, ठीक है। चलो गाड़ी चालू करो। फुल रेस करो। पकड़ के रखो फुल रेस। पिकअप देखो दबने लग गया और फुल रेस गाड़ी किया गया है, और मैंने पूरा एलंकी टाइट कर दिया। जिधर पिकअप दबने लग गया वहाँ से तीन आटा बाहर निकालना है एलंकी से, मतलब तीन राउंड। एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड। फुल रेस करके पिकअप को दबाया जाता है एलंकी से, जिधर गाड़ी दबने लग गया वहाँ से तीन राउंड एलंकी का निकालना पड़ता है बाहर, ठीक है। अभी कार्बेटर से हेल्डिंग थोड़ा बढ़ा देना है, थोड़ा क्या, ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो रेस बढ़ रहा है ना। अभी गैस को सेटिंग करेंगे तो एवरेज स्क्रूप का एलंकी अंदर टाइट करोगे तो गैस दबेगा, और बाहर निकालोगे तो गैस खुलेगा। तो जैसे गैस दबने लग गया ना, वहाँ से बाहर निकालना है जितना फुल गाड़ी रेस हो सके, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखता नहीं रहेगा इसमें, तो ये देखो मैं एलंकी लगाया हूँ, ठीक है। अभी इसको अंदर दबाते हैं, ठीक है। ये देखो मैं अंदर दबा रहा हूँ और हेल्डिंग कम होते जा रहा है, अभी तो एकदम कम हो गया। अभी इसको बाहर निकालना है, रेस बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे पूरा मतलब गैस खुलने पे गाड़ी बंद पड़ गया, तो अभी फिर से एक आटा अंदर कर देना है, ठीक है, घुमा देना है। अब उनको सेल्फ मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। सेल्फ मारो, ठीक है। अभी एक आटा अंदर घुमा है, अभी इसको हैंडलिंग का कम करेंगे स्क्रू कार्बेटर से, नॉर्मल सा कम करना है जिसपे गाड़ी चालू रहे, ठीक है। देखो इस पे हेल्डिंग बराबर है, अभी ये बंद पड़ गया, तो अभी फिर से स्टार्ट करना है और हेल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा देना है। चालू करो। अभी देखो कार्बेटर से हेल्डिंग कम किए तो गाड़ी बंद करने लग गया, तो बराबर एक आटा अंदर घुमा देना है, टाइट कर देना है, और फिर उसके बाद गैस को कम करना है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो हेल्डिंग एकदम बराबर हो चुका है। अभी नॉर्मल सा सिर्फ कार्बेटर से कम करके लेना है,
नॉर्मल मतलब आधा आटा। रेस करके छोड़ो। ठीक है, अभी देखो इसका हैंडलिंग बराबर हो चुका। बंद करके सेल्फ मारो। गाड़ी स्टार्ट हो गया, बंद करके दोबारा सेल्फ मारो। देखे और भी हैंडलिंग कम करना रहेगा तो मतलब गैस से थोड़ा दबा सकते हो, नॉर्मल जितना आपको चाहिए, मतलब वहाँ से गैस दबाओगे उतना ही। लेकिन कार्बोरेटर से बंद करने के बाद जब भी मैंने हैंडलिंग कम किया था तो गाड़ी मतलब बंद हो गया ना, तो वहाँ से आधा का एक आटा आप बढ़ा सकते हैं, मतलब एक राउंड उसको बढ़ा सकते हैं हैंडलिंग का। ठीक है, कार्बोरेटर से। ठीक है, बंद करो। अरे दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ गैस सेटिंग कैसे करना है। फुल रेस करके आपको पिकअप दबाना है अंदर की तरफ, जिधर गाड़ी दबने लग गया मतलब पिकअप कम होने लगा, तीन आटा आपको बाहर निकालना है फोर स्ट्रोक गाड़ी का। ठीक है, और BS4 गाड़ी रहेगा तो उसका 3.5 आटा निकाल सकते हो। और ये BS3 गाड़ी है, मतलब देख लो यहाँ पे BS4 का कुछ है नहीं। ठीक है, साईं वाल का सिस्टम। ठीक है, और अभी एवरेज का कैसे सेट करना है, तो पहले सबसे पहले कार्बोरेटर से स्क्रू टाइट कर लेना है, और गैस को ना, गाड़ी चालू हो गया और गाड़ी नहीं भी चालू होता है तो गैस को मतलब अंदर दबाओगे तो गैस बंद होता है और बाहर निकालोगे तो गैस खुलता है। तो जब भी गाड़ी चालू नहीं हो रहा है आपसे तो आपको ना एलंकी अंदर डाल के सिर्फ गैस का अंदर दबा देना है फुल, ऐसा दबाने के बाद धीरे धीरे खोलना है और सेल्फ मारना है जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गया, और फिर एलंकी को बाहर और निकालना है, गाड़ी फुल रेस होना चाहिए। जब रेस होने लगेगा तो उसके बाद कार्बोरेटर से स्क्रू ढीला कर देना है। कार्बोरेटर से स्क्रू ढीला करने के बाद जितना ढीला करना है जितने में ट्यूनिंग रह जाए, तो उसके बाद गैस को फिर से दबाना है। जैसे अंदर दबाओगे गैस को तो गाड़ी बंद होने के जैसा लगेगा, तो एक आटा आपको फिर से, ठीक है, कार्बोरेटर से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद उसके बाद आपको गैस खोलना है जितने में आपको ट्यूनिंग क्लच दबा के गियर में गाड़ी डालने के बाद क्लच जैसे छोड़ोगे बंद होना चाहिए उतना ही ट्यूनिंग रखना है। ठीक है, ये देखो दोस्तों सेल्फ पे गाड़ी चालू होना चाहिए, फोर स्ट्रोक गाड़ी। देखो मैं सेल्फ मार के दिखाता हूँ। ठीक है, सेल्फ पे गाड़ी चालू हो रहा है तो इतना ही ट्यूनिंग रखना है जितना सेल्फ पे गाड़ी चालू हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे क्लच दबा के गियर में डालोगे और क्लच छोड़ोगे गाड़ी बंद हो जाना मांगता है हाफ क्लच। ठीक है, बंद हो गया तो ऐसे ही सेट करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा रेस नहीं रखना है, रेस ज़्यादा रखो तो क्लच छोड़ने पर भी गाड़ी आगे जाएगा, हाफ क्लच के बाद गाड़ी बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये आपको गैस सेटिंग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना। ठीक है।